शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन कृष्ण सदै सन्तु निरभया सदै भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो स्त्रे भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। अहो भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा का लाभ उठाते हुए हम लोग बड़ी एकाग्रता एवं प्रेम पूर्वक श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वें अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं। क्या कहने भगवान के प्रकरण के, जो हमारे प्रभु प्रकरण चला रहे गए, बहुत ही कमाल का। इसलिए तो बार बार कहता हूं आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। भगवान भी हमारे पर कितनी कृपा करते हैं, शहर के शोरगुल से एकदम दूर एकांत में बिठाकर अपनी इतनी कल्याणकारी वाणी का श्रवण करवा रहे गए। कितना एकांत, मानो प्रकृति की गोद में हम बैठेंगे, लोकांत से हटाकर एकांत में ले आए। अब हमें भी अपने मन को एकांत में लाना चाहिए। संकल्प विकल्प बंद, जो टंटे मंटे हैं घर के वही खत्म। अब अपने कल्याण की बात सुने, एक घंटा भगवान हमें देते हैं अपनी अत्यंत कल्याणकारी वाणी के श्रवण करने का। हम भी अपनी ओर से कोई कसर ना छोड़े, बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करें। भगवान एक प्रसंग चलाए हुए एकाग्र, जो मैं बार बार नहीं कहूंगा। प्रसंग क्या है, सब कुछ दार मदार बुद्धि पर है, सब कुछ। इस राज की बात को समझाते हुए हमारे ऋषियों ने कठ उपनिषद में एक दृष्टांत दिया हुआ है, आप सब जानते होंगे। मैं प्रसंग अनुसार फिर भी दोहराई कर दूं। उन्हें अगर बुद्धि की महत्ता जाननी हो तो यूं समझो, ये शरीर एक रथ के समान है। लाइए अपनी आंखों के सामने एक रथ, चार घोड़े जुटे हुए, उसमें सारथी के हाथ में लगामे हैं, उसमें रथी बैठा हुआ है मालिक, और आगे नजर आ रही है सड़क या मार्ग, दो मार्ग नजर आ रहे हैं, और वो दुराहे पर पीछे खड़ा है। आंखों के सामने लाइए, शरीर एक रथ के समान है, बिल्कुल ध्यान देना देवियों सज्जनों, एकाग्र। हमारा शरीर एक रथ के तुल्य है, और इसमें घोड़े इंद्रियों के समान है। अच्छा, यही तो कर्म करती हैं, खासकर कर्म इंद्रियां, ये घोड़ों की तरह जुटी हुई है शरीर के साथ। अच्छा, मन इनमें लगाम की तरह है। अच्छा, मन लगाम की तरह। अच्छा, और बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है, दारोमदार सब बुद्धि पर है। कितनी महत्ता दृष्टांत द्वारा बताई गई, बुद्धि है सारथी, ड्राइवर को बोलते हैं सारथी, बुद्धि सारथी के समान है, और जीवात्मा, जीवात्मा है क्या रथी के समान, जो बीच में बैठी है। हाँ, वो
और आगे दो सड़कें, क्या एक भगवान की एक जहान की, दुराह पे खड़ा है। अब यह निर्णय किसने लेना है कि किस रास्ते जाना है? बुद्धि ने, सारथी ने, जिसके हाथ में बागडोरे हैं, घोड़े हैं। हां, तो वो निर्णय कैसे लेगी? अपने तजर्बे के अनुसार। अगर अपना तजर्बा ना हो तो अनुभवी महापुरुषों के अनमोल कथन के अनुसार, इधर जाऊं या इधर, जिधर ज्यादा सुख हो उधर जाना चाहिए, मन चाहता यही है। तो सब दारोमदार बुद्धि पर है, सब। मन का कोई दोष नहीं, मन तो लगाम में है और घोड़े तो लगाम के अधीन होते हैं और शरीर बेचारा तो रथ है, जड़ है। ना शरीर का दोष, ना इंद्रियों का दोष, ना मन का दोष, केवल बुद्धि का दोष। बुद्धि के हाथ में सब कुछ है, इसलिए इंसान भले ये कलयुग आ गया, हम बारी वेशभूषा से, डिग्रियों से, रूप रंग से एक दूसरे की पर्सनैलिटी जानते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में अकल से इंसान जाना जाता है। कोई कितने पानी में है उसके इरादों से पता लगता है। दो मिनट किसी के साथ चल लो और वो बोले, अपने आप को बता देगा वो कितने पानी में है। दो मिनट किसी के साथ बैठ के राम राम कर ले जी और कुछ बोलनी शुरू कर दे, वह उसके चार पांच छह शब्दों से पता लग जाएगा ये कितने पानी में है, क्या इसके विचार है। क्योंकि इंसान विचारों का पुतला है, इरादे का पुतला है। इरादे के अनुसार ही, मैंने कितनी बार आपको बताया मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, इंसान में विचार उठते हैं, विचारों के अनुसार ही वो क्रियाएं करता है और क्रियाओं के अनुसार ही खट्टा मीठा फल पाता है, शुभ अशुभ जो फल मिलता है इंसान को अपनी क्रियाओं के अनुसार। इसलिए परम आवश्यक ये बात है कि हम अपनी बुद्धि को निर्मल करें, विमल करें, और वो भगवान जी की वाणी से हो जाती है बुद्धि निर्मल विमल, और कोई तरीका नहीं और कोई चारा नहीं। मेरी धर्मभूमि भारत अनादिकाल से पुकार रही है, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से, और फिर भगवान की वाणी, मेरे कृष्ण की वाणी, गीता जिस जैसा शास्त्र था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। अगर आप कंपेरेटिव स्टडी करें जहान भर के शास्त्रों के साथ, आप मेरे साथ जरूर सहमत हो जाएंगे। बताने का ढंग बहुत कमाल, एकदम बुद्धि को जागृत कर दिया जाता है, एकदम बुद्धि की समझ में बात आने लगती है, बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, इंसान मेधावी बन जाता है। जिस इंसान को यही पता नहीं, निर्णय करने का ही पता नहीं, बड़ा खतरनाक इंसान है वो, चाहे हमारे पिताजी हो, चाहे हमारी मैया हो, शास्त्र कहते हैं बड़ा खतरनाक है, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारा पति हो, चाहे हमारा कोई भी रिश्ता हो। क्योंकि बुद्धि के आधार पर तो मन ने रहना है, मन के आधार पर तन ने रहना है, और तन के कर्मों से फल मिलना। आप कभी भी ना भूलना, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में किसी को इतराज हो तो मुझे टोको। ये हमारे भारतीय महर्षियों का अनुभव है, जब तक इंसान की अकल नहीं दुरुस्त होती उसका मन दुरुस्त नहीं होगा, जब मन नहीं दुरुस्त तन दुरुस्त भी नहीं हो सकता, तन दुरुस्त नहीं तो नाना प्रकार के दुख तकलीफ चिंताएं आएंगी। इसलिए सबसे आवश्यक है बुद्धि को दुरुस्त करना, बुद्धि को विवेकिनी बनाना, विवेकिनी बनाना। मेरे गुरु ने बताया मुझे, स्वामी जी ने, ध्यान सुन लो, हम जिन बातों से लाभ उठा रहे हैं आपकी झोली में डालते जा रहे हैं। शहर में प्लेग की बीमारी आ जाइए किसी गांव में, मानिए 200-400-500 व्यक्ति प्लेग में आ गए हैं, जिसमें 100-150 मर गया है, बाकी प्लेग में है, तो जो बाकी इनको प्लेग नहीं हुई, डॉक्टर धड़धड़ आती है हमारे गवर्नमेंट तरफ से टीके लगाती है इनको प्लेग ना हो जाए, है बचाओ के लिए। मेरी बेटी ध्यान देना, ये दृष्टांत मेरे अंदर धस गया, जे बैठ गया हमेशा के लिए। बचे हुए व्यक्तियों को टीके लगाए जाती है। जब भी कोई हमारे यहां बहुत बड़ा मेला आता है किसी तीर्थ पर, तो सारों को टीके लगाए जाते हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में जनता आती है। अभी पिछले दिनों कुंभ का मेला हुआ, पता नहीं गवर्नमेंट का
लाखों में खर्च होगा टीके लगाओ, बिना टीके के अंदर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि जरा सी बीमारी निकलती है और फटाफट मुर्गी की तरह मरने, जैसे एक मुर्गी हो ना तो मुर्गी खाने में सारी मुर्गियां मर जाएंगी, पता है कैसे लग जाती है, वो भी लेट गई, वो भी लेट गई, वो भी यूं लेट के मरती जाती है, यूं लेट के मरती जाती है, फटाफट बीमारी लगे सही मुर्गियों को। इस तरह इंसान को कोई ऐसे छुआछूत वाली बीमारी लग जाए वाह खत्म, फटाफट 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 टीके लगाए जाते हैं। संसार में बहुत बड़ा रोग क्या है, आप कहेंगे जन्म मरण, हाँ ये तो है ही, लेकिन संसार में सबसे बड़ा रोग है क्या, जीव का बार मुखी होना, अर्थात कामी क्रोधी लोभी लालची और अहंकारी होना। बार मुखी का मतलब क्या है, कामी होना, क्रोधी होना, बार मुखी होना, बार वो लोफर, और उनके मुंह तुम लग जाओ तो फिर बड़ा खराब घर को होना। तो मन का बार मुखी जो है तो बार कौन है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये पांचों है, इनके अधीन हो जाना, इनका रिएक्शन दुख तकलीफ चिंता आदि व्याधि उपाधि। अब ये बड़ा रोग है, इससे बचने के लिए मेरे स्वामी जी ने मुझे बताया कि जैसे प्लेग पड़ गई हो तो बाकी जिनको अभी प्लेग, अभी नहीं प्लेग लगी तो टीका लगवा लेती हैं, हाँ ताकि उनको ना हो जाए। तो मेरे महाराज जी ने कहा देख जो भगवान जी ने गीता में ज्ञान दिया है वो समझ ले कि ये मैं टीका लगवा रहा हूं ताकि संसार का रोग मुझे ना लग जाए। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, बहुत कमाल के बोल है स्वामी जी के, कि भगवान के ज्ञान का टीका लगवा लो कहीं संसार का रोग आपको भी ना हो जाए, क्योंकि लाखों को रोग हो गया संसार का, अर्थात बार मुखी हो गए हैं, तो भगवान के ज्ञान का टीका लगवा लो। हर बॉय पहले मैं बच्चों की तरह रोता ही रहा, इतनी उम्र होगी फटाई को नहीं लगा, दूसरी विद्या पढ़ती रहे, कमाओ विद्या, ये कर वो कर, ये बना वो बना, और इधर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और सच बात है अगर हम भगवान के ज्ञान का टीका नहीं लगवाते, बुद्धि में भगवान के ज्ञान का निर्णय नहीं करते तो क्या होगा, इसका जवाब दीजिए कोई आप में से, भगवान जी के अनुसार जवाब दीजिए, अगर हम बुद्धि में भगवान का निर्णय या भगवान के ज्ञान को नहीं रखते तो क्या होगा, भगवान के अनुसार बोलो, भगवान ने खुद इसका जवाब दिया है, अगर आप बुद्धि में ज्ञान का टीका नहीं रखते या ज्ञान की बात नहीं रखते क्योंकि बुद्धि में रखनी है, तो इसका परिणाम क्या होगा, राम भाई साहब उनको दिनों की रात, शाबाश मेरी बेटी, ये जवाब है, दिल अकलकोले चले उस तरह के तूफान में किश्ती भरे, फिर ये हालत, फिर मन मुंह जोर होकर के दिल को जैसे बदमाश लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती ले जाता है, इसमें बदमाश मन कमजोर बुद्धि को खींच के ले जाएगा तो जीवन क्या होगा, तूफान में किश्ती बहे। भगवान किसी को ना दिखाए कि इतने यात्री बैठे हो किश्ती के अंदर और किश्ती डूब रही हो, ओए ओए ओए, बड़ा दर्द भरा नजारा कई बार हरिद्वार में हुआ, कई बार चिल्लाते बचाओ बचाओ, डूबते हुए हाथ ऊपर कर हमें बचाओ, हाय 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 हाय, बड़ा दर्द भरा। इस तरह आज जने कने का जीवन यही है, गलतान हो गया है, किसके मन खींचता जा रहा है काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, क्या नर क्या नारी बुरी तरह गलतान है, और इसका परिणाम, इसका परिणाम गम बेहिसाब दिन हो के रहा। इसलिए बुद्धि में टीका लगवाना चाहिए भगवान के ज्ञान का, फिर क्या होता है संसार का असर नहीं होता, फिर नहीं, फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा है, फिर संसार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका जवाब भगवान के शब्दों में दीजिए कि टीके के बाद फिर असर नहीं होगा, भगवान ने क्या कहा, फिर संसार की बीमारी नहीं लगेगी ना, भगवान के शब्दों में बतलाओ ना, जब टीका लग गया, हाँ पे तो आपने ठीक कहा कि क्या अगर नहीं टीका लगेगा तो मन खींच के ले जाएगा, और लग जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, शायद अपना बता पाए, हो अकल आजाद निकल जाए तू मुह के जा, सुनी बात से भी करे इतराज रहे अनसुनी से भी तू बे, ये दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा जो आप पढ़ रहे हो, टीका लग गया तो उसका क्या होगा, असर नहीं होगा क्या, इस संसार के विलासता का असर नहीं होगा, फिर जो सुनी गई बातें भूल जाएंगे, संसार संबंधी नई बात सुनने का शौक ही नहीं रहेगा, हो गया इंसान वर्ल्डली प्रूफ। बड़ी अनमोल बातें अपने प्रभु की, कदर करो, बहुत कमाल की बातें है मेरी देवियों, कदर करो, कदर करो, कदर करो, बहुत खुशी की बात। अब ये प्रसंग चला हुआ है बुद्धि को जगाने, सतर्क करने के लिए, सजग करने के लिए, सावधान करने के लिए क्या, और भगवान जी के उपदेश से हमें पता भी ये लग रहा,
अच्छी बुद्धि कौन सी होती है, अब कितनी जरूरत है इसकी, हम कितने पढ़े लिखे बैठे हैं, देखो सबके साथ बहुत पढ़े हुए, मेरी बेटियां बहुत पढ़ी हुई, लेकिन हमें ये नहीं पता जो अच्छी बुद्धि का लक्षण भगवान, पहला लक्षण ही हमारे पर लागू होता, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या, प्रवृत्ति निवृत्ति, वेयर टू एंगेज प्रवृत्ति एंड वेयर टू डिसएंगेज, पता ही कोई नहीं किन कहां कहां मुझे लगना है, प्रवृत्ति में मुझे लगना और कहां कहां से मुझे हटना, साधारण शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, प्रवृत्ति में तो बैठे लग जाना, जुट जाना है, एंगेज हो जाना, जैसे आपकी मंगनी को बोलते हैं अंग्रेजी में एंगेजमेंट, भाई आप कहीं लग गई हो, निश्चित हो गया, इस तरह बुद्धि का कहीं निश्चित हो जाना, पता ही कोई नहीं कहां निश्चित हो, हमें पता ही नहीं कि कहां लगे और कहां से हटे, इसका जवाब भगवान देते हैं, क्या कोई भी कार्य करने से पहले यह देख लिया जाए इसका परिणाम क्या होना, क्योंकि हर कार्य अपने आखिर में अपना परिणाम आप रखता, अच्छा जी, क्योंकि हर वृक्ष चाहे कितना विशाल क्यों ना हो जाए अपने में अपना बीज रखता है, एकाग्र रहना, आपको भगवान की बड़ी मीठी मीठी कल्याणकारी बातें बताऊंगा है, हर वृक्ष चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो अपने में बीज रखता है, संसार में सबसे बड़ा वृक्ष जिसका विशाल बहुत ज्यादा होता है उसको वट वृक्ष कहते हैं, वट वृक्ष या पंजाबी बोलते हैं बोर्ड का वृक्ष, ये बहुत ज्यादा फैलता है, बहुत फैलता, काफी जमीन ले लेता, लेकिन बड़ा बड़ा आश्चर्य उसका बीज उतना ही सूक्ष्म होता, कभी देखने में क्या बहरान जगह समान तेरी कुदरत, वो मेरे कृष्ण मेरे मेरे इष्टदेव, इतना विशाल वृक्ष इस छोटे से बीज में छिपा हुआ, राई के दाने से भी सूक्ष्म है, आधी समाधि आपकी लग जाएगी अगर कभी वट वृक्ष को फैला हुआ देखें और उसके बीज का उतार के देखें, इस छोटे से बीज में इतना वृक्ष, वाह मेरे प्रभु वाह। कभी आपने साबूदाने की खीर खाई हो, साबूदाने से भी सूक्ष्म होता है, सफेद सफेद साबूदाना उससे भी सूक्ष्म, और इतना विशाल वृक्ष कमाल, वो इतना फैलता है कि उसकी जड़ें जो है ऊपर से होती होती और यूं महापुरुषों के जटाओं की तरह बल खाती हुई जमीन में चली जाती है, ओ मेरे रब्बा ओए, जमीन के अंदर चली जाती है वाह, और गांठे लगी होती है वृक्ष शाखों पर, जैसे आप अपनी बीनी बनाती हैं, ये यूं गांठे ऊपर लग लग के नीचे जाती है, और इतना फैलाओ और बीज इतना, और बीज के अंदर कौन, भगवान की शक्ति, बीज के अंदर, नहीं तो भुना हुआ बीज क्यों नहीं उगता, हाय हाय, अगर आप बीज को फ्राई कर दे आप उगाओ नहीं उगेगा, इसमें कोई भगवान की शक्ति है ना इसके अंदर, कच्चा बीज उगता है भुना हुआ नहीं उगता तो साबित हो जाता है, नाशकों के मुंह पर गीला गीला जैसे पानी में गिल लगा के फिर थप्पड़ मारे बड़ा जोर का लगेगा और करारा थप्पड़ लगेगा, उनको बड़ा करारा थप्पड़ लगता है कि भुना हुआ बीज नहीं उगता और कच्चा बीज उगता है, वेयर इज द डिफरेंस, एक में पावर थी उगने की या उगाने की, वो पावर हमने हटा दी खत्म, तो उसकी इतना सूक्ष्म बीज और उसमें ही भगवान की सत्ता, तो आइए जरा देखें जरा कहां मुझे प्रवृत्त होना है, तो अपना आपका इतना टाइम ही कोई नहीं, कहा खोजी बने, बड़े धंधे हैं वही पूरे करने, इसलिए कहा जाता जो भगवान जी कह रहे हैं मुझे वो उन्हीं कामों में जुटना है, और उन्हीं कामों में ध्यान सुन लो किन कामों में लगना है जो भगवान जी कहते हैं, वह आपका तकिया कलाम आपके चर्चित शब्द यही हो जाने चाहिए कि जहां मेरे भगवान जी मुझे कह रहे हैं मुझे उन कामों में लगना, अच्छा फिर उन कामों में लगना है और वो भी भगवान के प्रेम में भर के करने, अपने कामना रख के नहीं, मुझे पढ़ना है तो कामना रख के नहीं, हैरानगी होगी आपको, मुझे कमाना है तो कामना रख के नहीं, अगर मुझे शादी करनी है तो कामना रख के नहीं है, मुझे संसार संबंधी कोई भी काम करना है मैं इस इन शब्दों को चूम के, इन शब्दों को छाती में रख के, मन में रख के, अंतःकरण में रख के मुझे लगना है फकत मेरी खातिर तू, अहंकार नहीं होगा इसका भावना का मतलब, अहंकार नहीं होगा, आगे नई कामना बनेगी नहीं, उतने में रह जाएगा, आगे नहीं होगा है बेटे, आगे नहीं होगा, आगे नहीं बनेगा, अगर आप कामना रख के करते हैं कामना अपने आप में बढ़ती और कामना मर जाओगे,
आयु खत्म, कामना खत्म नहीं होगी। अगर आप भगवान के प्यार में करते हैं, अगर नई कामना खड़ी नहीं होगी, और भगवान का बड़ा भारी उपकार बेटी, बड़ा भारी उपकार, बड़ा भारी उपकार, बड़ा भारी उपकार, बड़ा भारी उपकार, क्या आगे कामना बनती, आगे काम निकलेगी नहीं। शाबाश 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 शाबाश, नई कामना बनेगी नहीं, आगे नहीं। जैसे मेरी बात बेटी का, बात बेटी मेरी बेटी का, आगे बच्चा नहीं होगा, क्योंकि अंदर का सिस्टम वो मां बनने का है ही नहीं। यानी एक से अनेक बनने का अंदर का सिस्टम नहीं है, इसलिए हम बांझ बोलते हैं। हाँ, तो भगवान के प्यार में काम किया जाए तो वो बांझ हो जाता है। क्या मन बांझ हो गया, आगे बढ़ेगा नहीं। माना करो एक कामना पूरी, उससे और पूरी होगी। यानी अगर आप मां है, आपका बच्चा है, आपको है एंड, क्या आप मां, आपका बच्चा, हाँ, आगे जवान हो गया, हाँ, फिर क्या हो गया, उससे शादी कर ली, अच्छा फिर क्या, उसके आगे तीन बच्चे हो गए, फिर इनकी शादी होगी, फिर उनके बच्चे, फिर इनको कोई हैंड है, आपने इतना फैलाव दे दिया भारत में, कोई एंड ही कोई नहीं, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे, फिर मरते जाएंगे, पिछले हो रोते जाएंगे, आगे 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 आगे, वो मोर कितनी वंशावली बन जाएगी, इसे बोलते हैं वंशावली, कितनी लंबा चौड़ा खाता बन जाएगा, और एक का बच्चे को बात वहीं खत्म, उसको बांझ कहेंगे। तो ये भगवान के प्यारों की कामना बांझ हो जाती है, क्यों, आगे कामना रख के तो कर्म नहीं कर रहे, वो तो भगवान के भक्ति भाव में भर के कर्म कर रहे। कामना बांझ, कामना बांझ। हां, अंग्रेज बड़े हैरान हुए कि बांझ की अंग्रेजी क्या बनाए, पेट मोए, महीना, दो महीने, साल, अगर इनके पढ़ने का बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है भाषा विज्ञान हमें बड़ा पढ़ना पड़ा एमए के अंदर भाषा विज्ञान, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां। तो बांझ शब्द के लिए मर गए, पादरी बुलाए गए, किए गए बांझ, आगे बच्चे नहीं पैदा होता, बांझ एक बुजुर्ग पादरी हो गए थे, तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे मौका दो, तो वो घर से निकल पड़ता, सोचता बांझ के मैं क्या शब्द बनाऊं, घूमता, पर भगवान का ही आगे काम है, जहां चाह वहां रह, भगवान जी घुमाते घूमते घूमते उसे एक एक तरफ ले गए, जहां क्या बियाबान था बेटे, बियाबान निर्जन स्थान था, वहां गए तो सारी जमीन क्या थी, कलर ही कलर बेटे, बंजर कह लो, या आप बोलती हैं ऊसर, अपनी भाषा में कहेंगे ऊसर या बंजर जमीन, बंजर ही बंजर है, किसी जमीन में इतना घास, इतने तिनके, इतनी हरियाली, और ये बंजर ही बंजर, इसमें कुछ उगता ही नहीं, जैसे पागल होता, मैंने पा लिया, मैंने, मुझे पता लग गया, मुझे पता लग गया कि बांध की क्या होनी चाहिए अंग्रेजी, मुझे पता लग गया, मुझे लो बांध की अंग्रेजी ढूंढ ली। आप हंसेंगे कि बांध क्या बन गया, क्या बैरन, बैरन होती है लैंड, बैरन लैंड जिसमें कुछ उगे ना, फर्टाइल लैंड, फर्टाइल होती है जरखेज, और बैरन लैंड जिसमें बंजर, तो अब लेडी को क्या कहते हैं, बैरन लेडी, देखिए कोई बच्चा ना उसे बोलते हैं बैरन लेडी, बी डबल आर ई एन, बंजर माँ, बंजर औरत, जब आगे उगने कुछ नहीं, वो बैरन हो गई, और उन पर कोई अंग्रेजी शब्द नहीं सिवाय इसके, कोई बैरन कह दो उसको, बंजर जमीन कह दो, वो तो बंजर जमीन है। तो इस तरह वो मन बंजर हो गया, कब, जब भगवान के रंग में रंगा गया है। उस जमीन के अंदर कई चीजें तो निकल सकती हैं आपको, बड़ी बड़ी कीमती चीजें, लेकिन उगेगी कुछ नहीं। ऐसे इंसान के अंदर भगवान और भक्ति और श्रद्धा तो उग सकती है, लेकिन वासनाएं नहीं बढ़ेंगी, कामनाएं नहीं बढ़ेंगी। वे कमाल कर गया, कमाल कर गया, ये कितनी मौज की बात। अगर यदि भगवान के नाम पे किया जाए तो, अगर आप जहान की कामना रख के जहान के नाम पे करते हैं तो फिर लोग कामना बढ़ती जाएंगी, कोई अंत ही कोई नहीं। करो एक कामना पूरी, उसके बाद दो कामना और, दो कामना पूरी करो, तीन कामना और, फिर पूरी करो चार कामना और, देखो बिजी जिंदगी पर आप नजर दबा के देख लीजिएगा कितनी आपने डिमांड पूरी की है, स्टिल देर आर मोर डिमांड्स, मोर कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कोई एंड ही कोई नहीं मेरी देवियों, वो मेरे सजनों। इसलिए परमात्मा ने कहा है, क्या काम चुन लो के मैंने कौन कौन से जरूरी काम है। अच्छा फिर बताओ मैं आपको, जरूरी काम भी कृष्ण कहते हैं वो चुनो, हां जिसके बिना ना बुद्धि रह सकती है, ना मन रह सकता है, ना तन रह सकता है। कहां कहा गीता में काम की चुनाव कैसे करें, जहां तीनों ना रह सके वो काम चुन लो, अमल वो जो लाजम है और बेलगा, लाजम मतलब जहां बुद्धि ना रह सके। अच्छा मां बुद्धि कहते हैं निर्णय कई करेंगे, तो कई निर्णय करेंगे तो निर्णय कोई भी नहीं पूरा होगा, इसलिए निर्णय हमेशा एक होता है,
वो इंसान जिनकी जिंदगी में अनेक निर्णय होते हैं, कोई भी काम सिरे चढ़ा के जाते, चिंताएं उनके पास, बीमारियां उनके पास और बेचैनी और कमियां उनके पास, जिनका एक निर्णय होता है गजब ढा जाते हैं। कोई भी इंसान, चाहे गांधी का एक निर्णय था मैंने देश को आजाद कराना है, चल कमाल कर गए, किसी ने साल मैंने ये रिसर्च करनी है, गजब ढा दिया। एक निर्णय करने वाले हमारे भगत सिंह कहते हैं हमने देश को आजाद कराना है और अपनी कुर्बानी देनी है, दे के चलेगा देश आजाद हो गया। एक निर्णय वाली कोई भी कोई कमाल कर जाएगी, उनके लिए आप पीढ़ियां लाभ उठाती जा रही है। एक ही निर्णय, ध्यान करना, जिन्होंने अनेक निर्णय किए वो नलायक मूर्ख बने, ना अपने काम के और ना समाज के काम के, ना परिवार का भला कर गए। जैसे आप कहावत सुनी हुई है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो धोबी के कुत्ते की तरह, ना तो वो घर का रहता है ना घाट का, बीच में लड़ 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 के जख्मी होके मर जाता है। इस तरह इंसान जो अनेक निर्णय करता है उनके लिए परमात्मा ने कितनी गर्मा गर्म चेतावनी दी है, इरादा ना हो जिनका रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। जैसे आजकल के नर नारियां पढ़े लिखे बुद्धू बने हुए हैं, सो प्रवृत्ति जुटने से पहले देख तो लो कि हाँ इस काम को मैं छोड़ ना दू, क्या ये जरूरी काम है मेरा, हाँ क्या ये जरूरी काम है, नहीं छोड़ दू। भगवान नहीं चाहते कि गैर जरूरी काम किया जाए, अमल वो जो लाजम है और बेलगाओ, जो जरूरी काम है दैट इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, वी कैन नॉट अवॉइड दैट, इनएविटेबल काम, इंडिस्पेंसिबल काम, अपरिहार्य काम, अनिवार्य काम, ये अब आपने चुनना है। इन अनेक अपरिहार्य काम के अंदर सबसे पहला जो अपरिहार्य जरूरी काम है वो है भक्ति, सबसे पहला ये। अगर ये ना होता तो भगवान ये ना कहते थे कर सच्चे दिल से तो सब भजस्व माम, तुझे दुखों की दुनिया मिली है, सब चीजें जाने वाली, नाम अध्याय के अखीर में चलो, तुझे दुखों की दुनिया मिली है, ये सब चीजें जाने वाली है, हाँ कोई चीज टिकने वाली नहीं, इसलिए तो मेरी भजन में अपना जीवन बिता ले, कर सच्चे दिल से परस्त, ये सबसे पहला निर्णय हमारे लिए, हर एक इंसान के लिए नहीं, गीता हर एक के लिए नहीं होती, गीता केवल उनके लिए है जो सतोगुणी जीव है, जिनमें सतोगुण की अधिकता है, प्रचुरता है, प्रबलता है, उनके लिए गीता का उपदेश है। भगवान ने जो अर्जुन को चुना है तो युधिष्ठिर को नहीं चुना भाई, कभी आपने सोचा नहीं, पांडवों में से युधिष्ठिर को चुन लेते, अर्जुन को चुन लिया, भीम को नहीं चुना, नकुल सहदेव बड़े विचारवान नहीं चुना, क्यों नहीं चुना, तो अर्जुन नहीं ऐबजू नुक्ता ची कर अब मुझसे राजे खफी, वाह रे मेरे कृष्ण वाह, क्यों एक को चुना गया, अर्जुन तो गुण ही गुण देखता रहता है, तेरा स्वभाव गुणों का है, तुम गुण ग्राहक हो, देखिए तू नहीं ऐबजू, तुम नुक्ता ची नहीं करने वाले नहीं हो, तुम अपना मतलब पूरा कर लेते हो, अपने गुण देख लेते हो, कोई कैसा भी हो मैं कहता हम मैंने क्या, आप ही करने का फल पाएगा, मुझे क्या लेना देना, तेरे में ये बड़ा भारी गुण है। He was capable for Gita ji, eligible for Gita ji, fit for Gita ji. ऐसी ग्रालियों में उतरा करो, पांच भाई थे, why preference to Arjun? उसको जो प्राथमिकता दी गई है क्यों, वही हमारे में भी होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन तो क्या क्या कल्याण कामी पुरुषों का प्रतिनिधि है, वो तो आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए एक दृष्टांत बन गया है, ऐसा ही हमें बनना होगा। तब सजनो काम करने से पहले सोच लो कि जरूरी काम है क्या, तब प्रवृत्त हो जाओ, और ये भी फिर क्या, भगवान के लिए मैंने काम करना है, आप भक्ति जाप भजन सत्संग केवल भगवान के लिए, अब आप कमाई करते बड़ा जरूरी है, आप गृहस्थी है केवल भगवान के लिए, केवल भगवान के लिए, वो सबसे बड़ा लाभ कर लो भी नहीं बनेंगे, ओए होए ओए होए ओए होए ओए, फिर क्या होगा, जब आप भगवान के लिए कर्म करेंगे, मास्टरानी है या दुकानदार है या आप कोई बहुत लैंड लॉर्ड है या आप कोई बहुत और कोई काम में लगे हुए हैं, लाखों पति हैं, नहीं जब आप भगवान के लिए करेंगे तो आगे का लोभ बढ़ ही नहीं सकता, क्यों, आप में भाव बन जाता है, जो मिल जाए लेकर वही, जो मिल जाए लेकर वही, शायद इसका एक शब्द है संतोष, आप संतोषी बन जाती है, जो मिल जाए, प्रसाद किया खून पसीना एक कर दे वही भगवान के लिए, फिर भगवान ने लख दिया या दे दिया कख, हमें लाखों करोड़ों हैं इसी, संतोषी आदमी कहता है मेरे लिए बहुत है, बहुत बहुत जो मेरे परमात्मा ने दिया बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। एक रोमांचकारी घटना सुना दूं जिससे मेमोरी शिक्षा लिया करता हूं, आप भी ले लो। भक्तों में श्रोमणि, जब हिंदुस्तान में उच्च कोटि के भक्तों का नाम गिना जाएगा
इनका नाम भी जरूर लिया जाएगा। कौन? सुदामा जी, भक्तों में शिरोमणि मिलाप हुआ आपने बाल सखा के साथ। बाल सखा अनेक प्रश्नावली भगवान जी की ओर से हुई। प्रश्नावली बेटे, एक नहीं प्रश्न, प्रश्नों की लड़ी चल पड़ी। उनमें एक प्रश्न मैं आज सुना रहा हूं आपको, कभी मुझे मजबूर करना, हाथ जोड़ना, पैर जोड़ना, मैं मान जाऊंगा तो आपको प्रश्नावली सारी सुनाऊंगा जो भगवान जी ने उस समय की। उनमें से एक प्रश्न, सुदामा जी आपकी शादी भी हुई है कि नहीं? हुई है। अच्छा आपके बच्चे भी हैं कि नहीं? हैं। कैसे रहती हैं? प्रश्न, जवाब लो जरा। हाय जवाब देखो, जवाब जरा उत्तर लो। उस समय की चोटी के भगवान के प्यारे का शादी हुई? हुई। बच्चे भी ये हैं? कैसे रहती हैं? जवाब लो जरा। भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन काट रहे हैं, भूखों मर रही हैं, कपड़े हैं नहीं। श्रीमती के पास जो धोती है जरा से खींच जाए फिर जाती है, बिल्कुल ही मोदी हो गई है धोती। बैठती है तो भी नीचे से फर्र, वो अपने बोझरी शरीर का लेती। इतनी धोती पतली हो चुकी है, इतनी बोधी होगी धोती, खाई गई धोती। अपनी इधर ढांपना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल है। जवाब का दे रही है और रोटी देखो है नहीं, और उसी में उसको नहीं देती है, ले 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 ले, तो बन में बच्चों को बना के खिला दे। अच्छा अच्छा यह हाल हो रहा है। और जवाब क्या देते हैं? प्रभु की इच्छा से अपनी जिंदगी के दिन काटती हैं। अगर आप पढ़े हो ना तो भगवान का सारा शरीर हिल गया। मैंने कोई दुख भरा उत्तर दिया है कृष्ण? नहीं 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 नहीं, हिला गया भगवान के तख्त को। प्रभु की इच्छा के अनुसार जिंदगी काटती है। ओए, ओए, पकड़ लो इस शब्द को, इन शब्दों को पकड़ लो। प्रभु की इच्छा के अनुसार शादी की? मैं फिर दोहरा रहा हूं, हाँ बच्चे भी गए, हाँ कैसी वो उनका क्या हाल है? प्रभु की इच्छा के अनुसार जिंदगी काटते। अब आप ही जानो आपकी क्या इच्छा है, भूखा मर रही है, रहने का कुछ भी नहीं है, सवेरे की है तो शाम की नहीं, कपड़े पहनने को नहीं, रात सर्दी में मरती है, भर पेट भोजन ही नहीं, बच्चा मांगता है माँ कहती मैं और कहां से दूं। प्रभु की आपकी इच्छा यही है, मैं क्या कर सकता हूं? प्रभु की इच्छा के अनुसार जिंदगी काटते भगवान ने तो इसी समय ही मालोमाल कर दिया। ये तो बाद में हमें दिखाते हैं कि एक मुट्ठी ली चावलों की, दूसरी मुट्ठी ली, नहीं तो उसी इसी समय शर्मिंदा हुआ। जवाब क्या देती हैं? सुदामा मैं इतने कार्यों में व्यस्त रहा, कितनी मैंने गलती की कि तेरी ओर पूरा ध्यान ही नहीं दिया, मुझे क्षमा करना सुदामा। यहां आके कवि कहता है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, प्रात भर के लाई है पटरानी है, हाथ करने का मैंने अपने सुदामा जी के चरण धोनी है, आपको सामने लाइए, और प्रात भरी हुई है, लोटा भी पास है, लोटा भर के चरण धोने थे। पर कवि कहते पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतने छम छम वर्षा हुई मेरे प्रभु के प्यार में, खून से ही पैर धुलते जा रही है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। याद कर लिया करो, और प्रेम के शुरू आप भी बहा दिया करो, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि, करुणा के घर, करुणा करके करुणा निधि रोए। ऐसी जब दशा बन जाती है, ऐसी भगवान करे हमारी दशा बन जाए। पुरुषार्थ किया, आगे जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सर। इतनी जल्दी मन तल्लीन हो जाता है मेरे सजनों भगवान के अंदर, इतनी जल्दी ये नुक्ते हैं अनुभवी महापुरुषों के, मैं भी लाभ उठा रहा हूं, आप भी मेरे संग लाभ उठा लो, मेरे सांझी बन जाओ, मेरे पार्टनर बन जाओ, हम सारे रल मिलकर अपना जन्म सफल करके चले जाएं। हाँ तो एक तो चुनने है काम जो बड़े जरूरी जरूरी है, क्योंकि अच्छी बुद्धि वो है जो बताए कि कौन से किन किन कामों में लगूं। तो भगवान कहती है अमल तेरी मर्जी चुन ले, जिसके बिना तेरी बुद्धि तेरा मन तेरा तन नहीं रह सकता, वही काम चुन ले। सबसे पहले भक्ति चुन ले, सबसे पहले भक्ति। भक्ति का मतलब क्या होता है, मैं फिर आज दोहराई कर दूं,
क्योंकि अनेक व्यक्ति आज करके विचित्र जमाने में भक्ति के अर्थ अनर्थ किए हुए हैं। पूर्णपेन मन का भगवान के प्रेम में रंग जाने का नाम भक्ति। भगवान के प्रेम में रंग जाना, भगवान के प्रेम में रंग जाना, ऐसा रंग जाना कि संसार का रंग ना चढ़े, ओए होए, इसलिए गूढ़ा रंग। पूर्णपेन भगवान की भक्ति का गूढ़ा रंग जिसपे चढ़ गए वो भगत है। और ना कोई अर्थ लगाना, वेशभूषा या मालाएं या भगवे कपड़े, ना, प्रेम में जो रंग गया है। बाबा भगवान ने गीता में कहीं कहा है, हां किसी गैर से दिल, मुझे दिल से अर्जुन। हाय क्या कमाल किया है मेरे प्रभु ने, मेरे इष्टदेव जी ने। अर्जुन अब उसका मन सिवाय मेरे कहीं लगता ही नहीं, ऐसे ऐसे बोल लेकर के अपने अंदर रख लिया करे, ऐसे ऐसे अनमोल बोल ले लिया कर, अनमोल बोल ऐसे से शानदार, ऐसे सुंदर, क्या इतना सुंदर, इतना अच्छा, ये भगवान का ऐसा फरमान। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, चूंकि किसी गैर से दिल लगा। इसी को पातशाही देखे, आप तो कम से कम धार्मिक ग्रंथों का बड़ा लाभ उठाओ, क्योंकि बोल होते हैं अनुभवियों के। भगवान ने ठीक ही क्या कहा, इसी को पातशाही अनुभव करके क्या बोल रही है, यही ध्यान देना, बात रख लेना मन में। चोले दिना दे रतड़े प्यार, पता नहीं हजारों बार गुरु ग्रंथ साहब के ये बोल निकले होंगे, पाठी जी ने पढ़े होंगे कईयों ने, लेकिन मन में नहीं बसाते। उसको एकाध पे बैठ जाके सोचते नहीं कि क्या कह गई, हमारे कल्याण करने वाले क्या कह गए। चोले जिना दे रतड़े प्यारे, कंत तिना दे पास। जिन्होंने अपने मन के चोले को रंग लिया, रतड़े पक्के रंग में रंगे गए, कंत कहते हैं स्वामी, कंत तिना दे पास, ध्रुव तिना दी दे मिले नानक दी अरदास। जिन्होंने भक्ति के रंग में अपने आप को गूढ़ा रंग लिया है, तो पातशाही कहती है, हे दाता मुझे उनके चरणों की धूल दो। अरदास कहते बेनती, मेरी तेरी चरणों में बेनती है कि मुझे उनके चरणों की धूल दो, मैं चंदन की तरह अपने मस्तक पे लगा लूं। किनके चोले जिना दे रतड़े प्यारे, कंत तिना दे पास। जिन्होंने गूढ़े रंग में रंग लिया है, तो स्वामी वही रहती है। तो जब आपकी शादी होती है ना, हाँ तब आपको कहा जाता है कांता। कांता नाम कोई नहीं होता, कांता नाम नहीं है ये, कांता एडजेक्टिव है। असी तो नाम रखी फिर नहीं है, अब मैं तुम क्या करूं, कांता कोई नाम नहीं होता। शादी के बाद कहती है कंत की कांता, किसी को पत्नी ना कहा, हाँ यहाँ एक डॉर्लिंग, हमारे देश में ये शोभा नहीं देता डॉर्लिंग, ये इंग्लैंड में अमेरिका में कोई डॉर्लिंग कह दे तो उनको शोभा, हमारे यहां कहा जाता है कांता, अर्थात किसी की पत्नी। कितना प्यारा शब्द है कांता, कंत की कांता, कंत की कांता। तो पाशी जो स्वामी की तरफ कह रही है, कंत तीनान उसका जो दुनिया का स्वामी है वो उसके हृदय में होगा, जिन्होंने अपने मन को गूढ़े रंग में रंग लिया। कुआरी का नाम आज के बाद कांता ना रखा करो, लड़की हो कुआरी और कहा जाए कांता, शर्म की बात है। कांता तो किसी की कंत की होती है, कंत की कांता। ये तो जैसे हम किसी कुआरी को कह दें डार्लिंग, ये तो गंदी बात हो गई। इस तरह वही को कांता कह देना, ये गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है ना। जैसे मेरी अभी बेटी बता रही थी, मैंने बेचन बेटे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम चंचल। हाँ नहीं, चंचल लड़की का नाम नहीं होता, होना चाहिए। किसने रखा, मेरे पापा ने रखा, जाओ पापा को कह दो पापा जी आपने गलती की, मेरा नाम क्यों रखा चंचल। चंचल तो विषय होती है, उसे बोलते चंचला। हाँ पुरुष पुरातन की वधु, क्यों ना चंचला होए, चंचला विषय। अब हमें पता ही कोई, हम चंचल के, मेरा नाम चंचल है, चंचल का मतलब चल सो चल, कभी इसके पास कभी उसके पास कभी, हाय मेरे बॉय चंचल मतलब चल। इसलिए मन को भी कहा जाता है, जैसा कंजर आदमी गंदा होता है, चंचल मन जो एक जगह रुके नहीं, हाय मन इंसान का चंचल है और बेकरार, रहे दौड़ता भागता भागता। चंचल लड़की का नाम नहीं होना चाहिए, चंचल लड़के का नाम भी नहीं होना चाहिए। लोफर और गंदे गए बीते इंसान को चंचल कहती है, बिल्कुल विषय को चंचल चंचल कहती है ना। आज के बाद नहीं रखेंगे, पता ही नहीं था तो और है क्या संसार में, मार क्या पड़ी, पता ही कोई नहीं, क्या पता नहीं करना है क्या और ना करना है क्या, हमें समझ ही कोई नहीं। अब तो भगवान जी कृपा करे हम सबके ऊपर और हमें समझ आ रही है सब, प्रवृत्ति क्या है, कहां मुझे लगना है, ये समझ आ गई। तो बाकी रह क्या गया मेरे सजनों मेरी देवियों, जिसको ये समझ आ गई कि प्रवृत्ति क्या है, कहां मैं लगना है, तो मुझे दूसरा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कहां से मैंने हटना है, वो पता ही लग गया।
कहीं ने समय लग जाना तो बाकी साहब अपने आप ही हट गए। बस इंसान को तो ये बताना चाहिए अपने मन को, तुझे क्या कहां लगना है, हाय तुझे कहां लगना है। भवरा कहता है मैं आपसे सियाना हूं, आओ मैं आपको बताऊं, समय मेरा होने वाला है। चलाते रहेंगे चर्चा, अपने मन में बिठाते रहेंगे। भवरा ने हमारी मदद की। भवरा कहता है आओ सारे आ जाओ, तुम सारे गुग्गू हो, मैं तुम्हें बताऊं, मेरी नकल करो, देखो मैं क्या करता हूं, तू ही बता दे भवरे, तू ही हमारा गुरु सही। अगर हमारा कछुआ गुरु है तो एक गुरु तू सही, हमारा कछुआ भी तो गुरु है, तो हम भवरे को गुरु मान लेंगे क्या। भवरा कहता है जैसे मैं नाना प्रकार के फूलों पे नहीं बैठता, मैं केवल उसी फूल पे बैठता हूं जिसमें रस हो, तो तुम भी वही कर्म करो जिससे भगवान की याद आए, भगवान का रस हो। ये हमारे बापुश कह गए कि भवरा हमारा गुरु है, वो कहता हूं केवल उसी फूल पे बैठो जहां से रस मिले, केवल वही कर्म करो जहां से भगवान का रस मिले, भगवान की भक्ति मिले। यही हमारे सूरदास ने यूं कहा था, छोड़ मारा हरि विमुखन को संग, अब उनकी संगत छोड़ दे जो भगवान के विरुद्ध है। छोड़ मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत गए पड़त भजन में। आप अब समझ जाओ कौन से कर्म छोड़ने योग्य हैं, जाके संग कुमति गंदी बुद्धि बन जाती है और पड़त भजन में भंग, छोड़ मन हरि विमुखन को संग। हमें क्या करना गए, जहां से भगवान का रस मिले, हमने वो कर्म करना है, हमने वो नाम लेना है, हमने वो स्थान में जाना है जहां से मुझे भगवान का प्यार मिले, भगवान की भक्ति मिले, भगवान की तरफ मेरा मन खामखा लगे, मुझे वो करना गए। ये भगवान कहते हैं अच्छी बुद्धि वही है जो बताए, करना है क्या और ना करना है क्या। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।